सीमा पर बाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ हुए ब्लास्ट के बाद सीमा सुरक्षा बल ने चौकसी बढ़ा दी है और सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों व पाक रेंजर्स की मीटिंग के बाद 3 दिन तक ज्वाइंट रिट्रीट नहीं होगी। इस बात का खुलासा जलंधर में BSF के IG अशोक कुमार ने किया है। जलंधर में मीडिया से बात करते हुए IG ने कहा कि चाहे रिट्रीट नहीं होगी लेकिन इसका असर दोनों तरफ से होने वाले व्यापार व दिल्ली से लाहौर तक चलने वाली समझौता एक्सप्रेस पर नहीं पड़ेगा। देखिए वो तो धीरे धीरे स्पष्ट ही हुआ है कि लोगों ने जिम्मेदारियां भी ली हैं, तो ये कोई टारगेटेड हमला ही है और ऐसा इसकी टाइमिंग भी ऐसी है कि 6:12 पे हुआ है। आजकल जो ज्वाइंट रिट्रीट सेरेमनी वो 5 बजे हो रही है, तो लगभग 6 बजे के करीब क्राउड वापस लौट रही होती है, तो ऐसे समय भी हुआ है तो वो भी दिखा रहा है कि टारगेटेड ही है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये शायद भारत की तरफ ही हो सकता था, ऐसा अटैक भी होने की शंका थी, कुछ ऐसा भी था? नहीं देखिए ऐसा तो जो अभी जो वर्तमान घटना है तो आप समझ ही सकते हैं वहीं पे हुई है तो वहीं का टारगेट इस पे होगा, अदरवाइज कुछ इनपुट्स इस तरह के आते रहे हैं और हम लोग उसके प्रति अलर्ट हैं, हमारी अपनी तैयारी है, हम लोग चौकस हैं, हमने अभी भी सुरक्षा व्यवस्था जो है चाक चौबंद की है। पहले की बात की, पहले से अब कितनी हमने ज़्यादा जो सुरक्षा बढ़ा दी है? हमने सिस्टम्स बनाने की बात होती है, धीरे धीरे हम उसको और स्ट्रेंथन करते जा रहे हैं। और अभी बात चल रही है कि रिट्रीट सेरेमनी, उसके बारे में क्या बात हुई थी रेंजर्स से? हमारा कल लेट नाइट उनसे कॉन्टेक्ट हुआ, फ्लैग मीटिंग हुई बॉर्डर पर बाघा पे, और उसमें हमने अपनी कंडोलेंसेस एक्सप्रेस की और साथ ही साथ ये डिसाइड हुआ कि 3 दिन तक ये ज्वाइंट रिट्रीट सेरेमनी नहीं होगी, उसके अलावा फिर उसके बाद शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जो ICP पे जो आवाजाही है या बसें आनी है वो उसके क्या क्या है? उसमें कोई किसी तरह का चेंज नहीं है, वो एज पर रूटीन कंटिन्यू करना चाहिए, आज भी लाहौर से बस आई है। तो ओवरऑल अभी हम कहें तो हमारी तरफ से टूटने जो सीमा है वो सील बंद है? नहीं, हमारी तरफ से सीमा जैसे पहले थी वैसे है और हम लोग पूरी तरह से चौकस हैं। इंडिया 24 के लिए जालंधर से रियान बराड़ की रिपोर्ट।